सेंचुरी सत्याग्रह आंदोलन के मजदूरों के संघर्ष को आज 2000 दिन हो गए हैं, मगर आज तक उन्हें रोजगार नहीं मिल पाया है। 2000 दिन पूरे होने पर कंपनी गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें समाज सेवी नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मैधा पाटकर भी शामिल हुई। एसडीओपी तहसीलदार सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। खरगोन जिले के कसरावत तहसील क्षेत्र के मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ग्राम सतराटी में सेंचुरी कंपनी के मजदूरों का पिछले करीब 6 सालों से रोजगार पाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। वहीं सत्याग्रह के इस आंदोलन को शनिवार को संघर्ष करने के 2000 दिन पूरे होने पर कंपनी के मेन गेट पर मैधा पाटकर सहित सैकड़ों महिलाओं सहित मजदूरों ने नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। मजदूरों का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन उनको रोजगार पाने का फैसला आज तक नहीं मिल पाया है। मजदूरों का कहना है कि मिल को फर्जी तरीके से बेचा गया और हमसे रोजगार छीन लिया गया है। मजदूर आज तक रोजगार की मांग को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं। यह मजदूरों का आंदोलन इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन माना जाएगा। वहीं धरना प्रदर्शन की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अमला भी मौके पर तैनात रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। सेंचुरी के सामने आपको सर हमारे आंदोलन के पूरे 2000 दिन पूरे हो गए, इसीलिए हम सभी ने आज ये तय करा था कि कंपनी के सामने हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि इसीलिए कि 2 साल 3 पूरे होने के बावजूद भी अभी तक मैनेजमेंट हमारे सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे मामले सभी इधर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सभी जगह चल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम सभी ने यही तय किया है कि मध्य प्रदेश सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इन हजारों मजदूरों का भविष्य पानी में जा रहा है, इसीलिए हम सभी ने संघर्ष के लिए ताकत से पूरा संघर्ष किया है। इसलिए कि हम लोग कि हमें रोजगार चाहिए, वीआरएस नहीं चाहिए, इसीलिए हम आज 5-6 साल से लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। अच्छा, इसमें पहले वीआरएस भी लिया था कुछ को? नहीं, हमने वीआरएस की नोटिस तो लगाई थी, उनमें हमने लिया नहीं। हमने 874 लोगों को वीआरएस को नकारा है, क्योंकि हम लोग रोजगार चाहते हैं। हमने वीआरएस से 4 लाख से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए हमने रोजगार लिया, रोजगार के अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं। हमें वीआरएस नहीं चाहिए। और हम सर भाई आज फिर आंदोलन पे बैठना पड़ा सेंचुरी के सामने, क्या मामला है? देखिए, आंदोलन तो 2000 दिनों से जारी है। ये आज का कार्यक्रम है 2000 दिन पूर्ति का, क्योंकि अक्टूबर 2017 से जब कुमार मंगलम बिरला की खरगोन जिले में मध्य प्रदेश के सतराटी गांव में स्थित 1993 से और 96 से चलती आई दो मिल्स यार्न और डेनिम की जो टेक्सटाइल मिल्स रही है वो बेचने की साजिश की गई, तब लोगों को बाहर आकर बैठना पड़ा। वेरिट कंपनी जो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर अपनी मिल्स वहीं चला सकती है, वो यहाँ क्या चलाती? लोगों ने सोच लिया और यूनियंस का आदेश संदेश कि ज्वाइन हो जाइए ये भी नकार दिया था। तब से हम लोग जुड़ गए और सत्याग्रही आंदोलन चलाया, जिसमें महिलाओं ने भी अपना पूरा योगदान दिया, बच्चों युवाओं ने। आज हम लोग 2000 दिन में क्या देख चुके हैं? इनके फर्जीवाड़े देख चुके हैं। इन्होंने पहला फर्जीवाड़ा किया, जिसमें औद्योगिक ट्रिब्यूनल के साथ उच्च न्यायालय ने भी मंजूर किया कि ये फर्जी बिक्री की है और इसीलिए वेतन चालू रखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, क्योंकि ट्रिब्यूनल में तो मिल खोलो के आदेश दिए थे, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। उच्च न्यायालय ने बैलेंस शीट में लॉस मान लिया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय का दबाव न लेते हुए राज्य सरकार को तय करना पड़ेगा। 25O की धारा है 1947 के अमृत महोत्सवी कानून, जिसको कहना चाहिए ऐसे औद्योगिक विवाद अधिनियम। कोई भी मिल या कारखाना बंद करना है तो राज्य सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। राज्य सरकार ने मिल बंद करना सार्वजनिक हित में है या हित में, ये सोचकर ही निर्णय देना पड़ता है। इन्होंने वैसी कार्रवाई की ही नहीं। राज्य सरकार ने श्रमिकों की सुनवाई करनी होती है, वो हुई नहीं, इसलिए फर्जीवाड़ा साबित हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वेतन चालू रखना पड़ेगा। 4 साल तक 88 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया, हर महीना 2 करोड़ क्या 2 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया, पर मिल्स नहीं चलाई। झूठ बोलते रहे कि हम लॉस में हैं। ये 2 मिल्स लॉस में इसलिए गई कि यहाँ अंदर भ्रष्टाचार हुआ था, जो मैनेजर निकल गए उन्होंने दूसरी मिल क्यों खुलवाई। हर सरकार मध्य प्रदेश में कहती है कि हम टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे, हम नई टेक्सटाइल कंपनी खरीदेंगे, चालू करेंगे, क्योंकि रोजगार उससे ही मिलता है। तो इनको लॉकडाउन में भी करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है।
इनके एनुअल रिपोर्ट में बात लिखी हुई है कि लॉकडाउन के बावजूद इनको अमेरिका के गिराई तैयार है, सेंचुरी ब्रांड नए नए प्रकार से प्रोग्रेस करने वाली है। तो ये सब के बावजूद इन्होंने मिल्स नहीं चलाना चाहा, इनको वो बेचनी थी या अल्ट्राटेक का गोडाउन बनाना था, भगवान जाने अल्लाह जाने। लेकिन इन्होंने जब फर्जीवाड़ा किया तब ये हमारे साथ बातचीत के लिए आकर ऑफर कर चुके, जो इन्होंने ट्रिब्यूनल में भी लिखित शपथ पत्र में दी कि या तो आप PRS स्वीकारो या तो एक रुपया में यूनियन दो मिल्स ले ले। ताई अगर यूनियन होती तो मैं चर्चा करने के लिए नहीं आता, पर आप है इसलिए आया हूँ। ये डालमिया जी जो वृद्ध अधिकारी जिन पर हमने विश्वास किया, उन्होंने हमको ऑफर की थी, लेकिन 10% भी जिनके साथ श्रमिक नहीं थे, ऐसे चार यूनियंस ने मिलकर एक फर्जी हस्ताक्षर के साथ उनको एक पत्र दिया, न कोई शपथ पत्र दिया न कोई और कोई कागज दिया, लेकिन एक पत्र पर सेंचुरी ने अपनी ऑफर निरस्त कर दी। ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी यूनियन से भी हुई थी और सेंचुरी कंपनी से भी हुई, क्या गठजोड़ था पता नहीं। लेकिन ट्रिब्यूनल में लिखित में जो एफिडेविट दिया है आज हमारे हाथ में है, उन्होंने जो पत्र दिया उसमें फर्जी रजिस्टर सही सिग्नेचर है, ये हमारे हाथ में, कोई प्रस्ताव कोई ठहराव नहीं। ये यूनियन रजिस्ट्रार के सामने हर साल जो ऑडिट और जो कागज पेश करने होते हैं वही नहीं करते थे। हमारी यूनियन 1966 से ऑल इंडिया ऑपरेशन की मंजूरी के साथ यहाँ बनी है, हमारे पास रजिस्ट्रार का पत्र है। आज इन्होंने फिर से फर्जीवाड़े में मिल्स बेची है, जबकि ये प्रॉपर्टी 84 एकड़ जमीन, गोडाउन, मशीनरी, VIP क्वार्टर, स्टाफ के कॉलोनी, श्रमिकों की कैंटीन, VIP गेस्ट हाउस, मंदिर, सब कुछ हजारों पेड़ों के साथ, ये क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने आज जो मंजीत ग्लोबल और कॉटन को बेची है वो फिर से 426 करोड़ की वैल्यूएशन जो डाली थी हाईकोर्ट ने, हाईकोर्ट में मंजूर की थी जो डाली थी वेरिट ने, उसके बदले फिर 62 करोड़ में बेची है। पहले बेची थी 28 करोड़ में, अब 62 करोड़ में, और उसमें कई सारी झूठी बातें लिखी है। मैं सब डिटेल आपको न बताते हुए कहूंगी कि रजिस्ट्रार ने भी धोखाधड़ी की है और इन्होंने भी धोखाधड़ी की है। सरकार के स्टैंप ड्यूटी की चोरी का आरोप इन पर है और लगना ही चाहिए। और आज अंदर इन श्रमिकों को जो एक्सपर्ट है, जो कुशल है, जिन्होंने ट्रेनिंग लिया है, 20-25 साल काम किया है, उनको लेने के बदले ये ठेका मजदूरों पर चलाते हैं, क्योंकि इनकी मुनाफाखोरी है। आज निमरानी, पीथमपुर सभी जगह यही हुआ है, और इसीलिए ये अन्याय दूर करने के लिए आज हम लड़ रहे हैं। और हमारे श्रमिकों ने 90% से ज्यादा श्रमिकों ने, जबकि VRS नकारा है, तो वो उनका हक है। और इन्होंने संवाद भी तोड़ा है, क्यों संवाद तोड़ा है, कॉलोनी का पानी बिजली तोड़ी थी, कसरावत के जज साहब को धन्यवाद कि उन्होंने न्याय की बात, इंसानियत की बात सोची और पानी बिजली चालू करी। फिर भी आज इन्होंने कईयों के घर में सामान होते हुए कुलूप पर कुलूप खुद का लगाकर एक प्रकार के ट्रेसपासिंग का अपराध किया है। आज ध्रुवराज सिंह जी यहाँ बैठे हैं, जिनका के बेटा कैंसर ग्रस्त है, वो उसके ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाकर कल आए, उनको अंदर नहीं जाने दे रहे। रमेश यादव जी को अंदर नहीं जाने दे रहे। गोपाल मिश्रा जिनके घर में 3 कोरोना की मौतें हुई, खुद बीमार थे रीढ़ की हड्डी की बीमारी से, वो करके वापस आए, उनके सामान के साथ इन्होंने कब्जा किया है। ये मंजीत ग्लोबल और सेंचुरी की साजिश है। हम लोग सत्याग्रही श्रमिकों के साथ लड़ रहे हैं। आज बच्चों की शिक्षा और सब कुछ प्रभावित होते हुए, खुद अपना अपना छोटा छोटा कारोबार करते हुए भी ये संघर्ष जारी रखना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो सभी श्रमिक स्थलांतरित मजदूर बनेंगे और गन्ने काटने जाएंगे, खेत मजदूर बन जाएंगे, ये हमें मंजूर नहीं है। और मंजित और सेंचुरी दोनों अपराधी है। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, हम लड़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।